लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट वेन डायग्राम्स, थोड़ा रिवीजन करके आगे जाते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर्कल्स। तो मैंने डिस्टेंस ऑलरेडी ले लिया, अपने पास बुक है, वी हैव टू राइट आंसर्स ऑन नोटबुक ऑन आंसर पेपर। तो इसी के लिए इसकी जजमेंट लेके रखते हैं ना, हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन एग्जाम, ये सब उसी के लिए कर रहे हैं हम लोग। सो 1, 2, 3, 4 लाइन्स, 4 लाइन्स का डिस्टेंस मैंने ले लिया अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज नॉट ज्योमेट्री, कुछ कैलकुलेट करके नहीं लेना हमको मेजर करके, ओके। बट सम थिंग्स आर बेसिक, सर्कल ड्रॉ करना है, दिस शुड बी फर्म, यहाँ पे फिट होना चाहिए, इसको हिलाएंगे तो बुक हिलनी चाहिए। दिस मच प्रिकॉशंस वी शुड डेफिनेटली टेक, मेक श्योर दैट इट डज नॉट मूव। अपन हे ड्रॉ केलं सर्कल, ये हो गया अपना सेट। सी फॉर बेटर विजुअलिटी ना, विजिबिलिटी, आई एम यूजिंग पेन, तुम्हें पेंसिलस यूज करा और फॉलो यूर टीचर्स, जो भी स्कूल में बताते हैं टीचर्स को फॉलो करना। अभी मुझे दो सेट का इंटरसेक्शन दिखा देना, जैसे वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। तो मैं पहले ये डिस्टेंस एडजस्ट कर लूंगा कि भाई दोनों का इंटरसेक्शन निकलना चाहिए, मुझे सेंटर से कुछ काम नहीं है, दिस इज नॉट ज्योमेट्री, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। सो मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप लोग, मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया, यहाँ पे सेंटर लिया, फिर एक बार आई मेक श्योर दैट इट डज नॉट मूव एनीवेयर, हल्ला नहीं पाई जाया, देन आई ड्रॉ अनदर सर्कल, दिस इज सेकंड सेट। ये हो गए अपने दो सेट्स। अगर ये नहीं हिलेगा ना तो आपके जितने प्रॉब्लम आ जाते ना, इट स्लिप्स डाउन, सर्कल अर्धाच हो तो मग फिर यूज इरेजर, वेस्ट योर टाइम, ते नहीं होना सर, ओके। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, वी कैन राइट एनी एलिमेंट्स। चला अपन ट्राई करिया, ए बी से सबसे इजी ले लेते हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। सपोज अगेन वेन डायग्राम का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट विल राइट सेट इन लिस्ट फॉर्म, अपन पहले लिस्ट बनून घेऊया, ए ची आदि ए, बी अदर डाल लेना, फिर ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, हम लोग जो भी लिख रहे हैं इट शुड लुक गुड। ए है, ए में कौन है, ए बी सी डी, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी डी सीक्वेंस में होने चाहिए, बट इट इज प्रिफरेबल, इट इज डिजायरेबल, टीचर को चेक करने में आसानी होगी। ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, इधर चले गए जी एच आई जे, कोई बाकी है के, फिर एक बार चेक करना सब लोग हो गए क्या, ए बी एच आई जे, ए बी एच आई जे, ओके, सी डी के जी, सी डी के एंड जी। क्रॉस चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके ओके करेक्ट। बी सेट बी, फिर तो ये कॉमन ही है, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। देखो फिर एक बार बता रहा हूँ, इसको सीक्वेंस में लिखना, उल्टा लिखेंगे ई जी डी एफ चलेगा, लेकिन ये सब टीचर चेक करने वाले हैं तो वी शुड फैसिलिटेट देयर काम, उनका काम आसानी से हो जाए तो हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू एसेस। सो वी आर डन विद सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, एच एच आई जे के, कुछ बाकी है, एल एम एल एम एन ओ, चेक कर लेते फिर एक बार, सी डी के जी, सी डी के जी हो गया, ई ओ एन एफ एल एम, ई ओ एन एफ एल एम, क्रॉस चेक फिर एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। सेट ए, संच ए, हे सगळे घटक, ओके। सेट बी, संच बी, ऑल दीज एलिमेंट्स चेक कर लिए। अभी ए यूनियन बी में ये सब टोटल है ना, ए यूनियन बी यूनियन संयोग, दोगांचा संयोग संच, सो टोटल लिख देंगे हम लोग ये सब आराम से।
ये तो हम लोग ने लिखा है तो हम लोग को पता है, अदरवाइज वी विल ऑब्जर्व एंड राइट ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओके ना, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। सो ए लिख दिया, ए संच पूरा लीला, बी ऑल द एलिमेंट्स, ए यूनियन बी टोटल एलिमेंट्स सर्व घटक लीले, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए छेद बी, तो ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन कॉमन कौन कौन है, ओनली सी डी के एंड जी, सी डी पहले जी आएगा ना एंड देन के, भी सभी सेट हम लोग ने लिख दिया। नाउ विल राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अपन लिहून टाकले, घटक अपन लिहून टाकले, नाउ विल ओनली राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, किती एलिमेंट्स आहेत आतमध्ये, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए चा मीनिंग झाला सेट ए मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, विल ओनली कॅल्क्युलेट अँड राईट डाऊन ए नंबर, किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ ए इज 9, नंबर ऑफ ए चा मीनिंग झाला संच ए मध्ये किती घटक आहेत, ओके। डायग्राम में हम लोग देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, तेज केला पण नंबर ऑफ ए इज 9, अभी नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ बी इज 10, नंबर बी मध्ये एकूण किती घटक आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इजिली, इट इज व्हेरी सिंपल, तुम्हाला लक्षात पण आलं असेल, आप लोगों ने सोचा रहेगा कि दिस इज 9 दिस इज 10, तो टोटल हो रहा है 19, टोटल कितना हो रहा है 19, लेकिन ये दोनों सेट्स में समथिंग इज इंटरसेक्शन, दोघांचा छेद है, ये चार डबल डबल है, मीन्स ये चार हम लोग ने यहाँ पे भी लिखे है ना, सी डी के जी, सी डी के एन जी, सी डी के एंड जी, दोनों कड़े, तो ये डबल काउंटिंग है, लेकिन ये डबल काउंटिंग सेपरेट सेट लिखे तभी होगी, ए में लिखा लिखेंगे, बी में लिखा लिखेंगे, बट व्हेन वी राइट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मध्ये अपन डबल ले लेके सी डी के जी, सी डी के और जी हम लोग ने एक ही बार लिखा, तो डेफिनेटली यूनियन लिखेंगे तो 19 नहीं आएगा, कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है। अभी इसका रीजन तो आप लोगों को पहले से पता चल गया, दिस मच स्मार्ट यू ऑलरेडी आर, ये ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज इतने लोग कॉमन है 1 2 3 4, ये जो रिमेनिंग है ना 10 + 9 होना चाहिए था 19, लेकिन 19 नहीं हुआ, ओनली हुआ 15, फक्त 15 झाले एकत्र केले तर यूनियन किया तो कम हो गए, उसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन सेट, ए आणि बीचा जो छेद संच आहे कॉमन आहे, तो कॉमन आहे सी डी जी के 1 2 3 4 4, ओके। जो इंटरसेक्शन आया था वो डबल काउंटिंग में नहीं आएगा, दैट इज वाई ए 9 है बी 10 है, तो टोटल इज 19, दोघांची टोटल झाली 19, लेकिन यूनियन सेट में 19 नहीं है, यूनियन सेट में कितने हैं ओनली 15, द रीजन इज दैट इंटरसेक्शन आहे 4, तो इस पे से अपना एक बनेगा इक्वेशन जो एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन में कंपलसरी 100% श्योर आता है, 100% श्योर क्वेश्चन आता अपन करना है। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आ रहा है ना, 10 + 9 = 19, 15 + 4 = 19, समझ रहा है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी वी कैन सी हियर, देखो इससे हम लोग फॉर्मूला बना रहे, दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट टाइम, या दोघांची टोटल केली, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, आणि ह्या दोघांची टोटल सेम आहे, नंबर ऑफ ए युनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इजी आहे ना, देखो एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, फिर फॉर्मूला बनाया, सो विल नेवर फॉरगेट,
आपण स्वतः बनवला ह्या फॉर्म्युला. ह्याचा फॉर्म्युला आपण बनवला विसरायला होणार नाही. आयदर यू राईट लाईक धिस, असं सॉल्व करा. हे समजलं नक्की? ये जो दोनों की टोटल है, इफ टू सेट्स आर गिवन और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन अपने पास अवेलेबल है तो दिस टोटल ए प्लस बी इज इक्वल टू यूनियन प्लस इंटरसेक्शन. दोन संचांची बेरीज बरोबर संयोग संच अधिक छेद संच. ओके, और सिर्फ क्या शिफ्ट करना है, इसको अकेला रखना है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी को अकेला रखना है. तो इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा? सपोज मी फक्त हे एकटंच लिहिलं, नंबर ऑफ ए युनियन बी, नंबर ऑफ ए युनियन बी एकटा लिहिला, हा शिफ्ट झाला इकडे, हा प्लस विल बिकम मायनस. तो मायनस कैसे दिखेगा? ए प्लस बी मायनस इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जे दो फॉर्म्युला है, दिस टू आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पुस्तकातले आहेत. जो भी टीचर बोलते हैं वो फॉर्म्युला विल फॉलो इन द एग्जाम. दोनों इजी टू अंडरस्टैंड, हम लोग ने यहाँ पे लिखा है तो ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मुलाज वेल. तरी पण वॉट एवर द टीचर इन स्कूल टेल्स यू, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मुला, यू हैव टू यूज दैट फॉर्मुला इन एग्जाम. ओके, आइदर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, पहले दोन इज इक्वल टू यूनियन प्लस इंटरसेक्शन, दोन संचांची बेरीज बरोबर संयोग संच अधिक छेद संच. और इसको कभी कभी अकेला रखते, किसको? यूनियन को. यूनियन को हम लोग ने यहाँ पे अकेला रख दिया है. तो ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. ओके, मेजोरिटी ज्यादातर सम्स में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे. हा फॉर्मूला अपन जास्त करून वापरणार आहे. बट अगेन एंड अगेन आई लाइक टू टेल यू, फॉलो युअर टीचर्स. एवरीबडी राइट इट डाउन नीट एंड क्लीन. हर एक की नोटबुक में इतना ही क्लीन दिखना चाहिए. ओके, आपके पास टाइम ही टाइम है. अभी तो आप लोग एग्री करेंगे कि ये 8th स्टैंडर्ड से इजी है, डेफिनेटली, है ना? लेट अस प्रैक्टिस ए सिंपल क्वेश्चन. इट कम्स फॉर 2-3 मार्क्स. नंबर ऑफ पी इज 15, नंबर ऑफ क्यू 10, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, पी छेद क्यू 7, नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, पी संयोग क्यू, वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. ये जो इसको अकेला रखेंगे, मेजोरिटी टाइम्स हम लोग इसी को यूज करने वाले. नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ क्यू माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, दोघांचा छेद संच वजा. पी यूनियन क्यू, दोघांचा संयोग संच, पी प्लस क्यू माइनस इंटरसेक्शन. हाँ, पी संयोग क्यू, पी अधिक क्यू वजा त्यांचा छेद संच. जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स यार, सब्स्टिट्यूट करते आंसर आ जाएगा. पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड ऑफ नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू. पी नंबर ऑफ पी, पी मध्ये किती घटक आहेत? 15. ओके, नंबर ऑफ क्यू, क्यू में कितने एलिमेंट्स है? 10. माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू में कितने हैं? 7. 15 प्लस 10 इज 25, 25 माइनस 7 इज 18. ओके, सो नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इज 18. सिंपल क्वेश्चंस, ये सिंपल इसी फॉर्म के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. आंसर तो अपना आ गया, बट आई एम टेलिंग यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. समटाइम्स द सेम क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व बाय वेन मेथड. कधी कधी असा प्रश्न देतात आणि आपल्याला बोलतात वेन चित्राच्या सहाय्याने सोडवा. तो फॉर दॅट पे अटेन्शन हियर. नाही, इसको कभी भी फॉर्म कर लेना. हा झाला सेट पी, फिर हम लोग को पता है ना, इतने नजदीक तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे लिया दूसरा सेंटर, हे काढला डायग्राम. जस्ट रफली आई एम शोइंग यू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कभी भी, एनी टाइम, कभी भी, जबी भी हम लोग को सेट का वेन डायग्राम बनाना है. कभी पण यूनियन आणि इंटरसेक्शन आले, यूनियन इंटरसेक्शन आता है, संयोग संच छेद संच आले, कभी भी, तो सबसे पहले भरना है इंटरसेक्शन. माइंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कभी पण छेद संच आहे ना, तो आधी भरायचा असतो. पहले यहां पे लिख देना, यह है अपना पी सेट पी, यह है अपना सेट क्यू. पहला इंटरसेक्शन भरून टाकायचा, पहले यहां पे इंटरसेक्शन भर दो. इंटरसेक्शन भरने के बाद बाकी का देखेंगे. नाउ पे अटेंशन हाउ आई एम राइटिंग. नंबर ऑफ की पी कितनी है? 15. नंबर ऑफ पी मतलब पी में टोटल कितने लोग हैं? 15. पी में टोटल लोग हैं 15, उसमें से 7 हो गए माइनस, तो बचे कितने? 8.
तो पी में टोटल लोग है 8 + 7 = 15। ओके, समझ में आ गया। क्यू में कितने लोग है, नंबर ऑफ क्यू इज 10। तो 10 में से 7 मैंने यहां पे लिख दिए, तो मुझे लिखना है यहां पे ओनली 3। तो पी में देखिए 8 + 7 = 15, नंबर ऑफ पी इज 15, बराबर नंबर ऑफ क्यू इज 10, तो क्यू में है 7 + 3 = 10। इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन है 7, और यूनियन है टोटल, यूनियन का मीनिंग झाला टोटल, तो 8 + 7 = 15, 15 + 3 = 18, करेक्ट आ गया सबका सब। व्हाट वी वुड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर वी ड्रॉ वेन डायग्राम, सबसे पहले हम लोग को भरना पड़ेगा इंटरसेक्शन। सर्वात पहला आपल्याला भरायला लागेल इंटरसेक्शन। दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। यहाँ पे पढ़ाई आपको कम दिख रही है, लेकिन ये समझो कि अपना 20-30% काम इस चैप्टर का इस एक पेज पे हो गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेल। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, विल ट्राई टू सी सम प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट लेक्चर, बट प्लीज कीप ऑन डूइंग युअर रिविजन। अभ्यास करत रहा, अपन जास्त टेंशन तुम्हाला अभ्यासाचं देत नाही आहे। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज अवर होमवर्क टुडे, गिव इट ए ट्राय। जितना समझता है उतना करना, जसं समजेल तसं करा, घाबरू नका। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग दिया है, देखते कितने लोग इसको ट्राई करते हैं, है ना। वी वॉन्ट युअर प्रैक्टिस, युअर एफर्ट्स। तुम्ही जेवढे एफर्ट करणार तेवढं टेंथला तुम्हाला आरामशीर पडेल। होप एव्हरीबडी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन्स। सर्वांनी प्रयत्न करा, सोडवा। नाही समजले तर लवकरात लवकर क्वेरीज टाका, सो दॅट नेक्स्ट लेक्चर विल टेक फॉर क्वेरीज। जे तुम्ही क्वेश्चन विचारता त्याचंच आपण नेक्स्ट लेक्चर घेऊया। ओके, ऑल द बेस्ट।